अस्सलाम अलगम एंड वेलकम टू माय चैनल वी सुप्रीम तारम डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में एस टी ए वन हंड्रेड के पहले चार लेक्चर कवर करेंगे तो इससे पहले ट्वेंटी टू लेक्चर जो है उनकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है वहाँ से आपके जो फाइनल टर्म है उसमें आठ एम सी क्यूज़ आएँगे और थर्टी टू एम सी क्यूज़ हैं वो आपके ट्वेंटी थ्री से लेकर फोर्टी फाइव लेक्चर तक में से आएँगे तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ इसमें हम सबसे पहले पांच चीज़ें कवर करेंगे स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन है उसके बाद वेरिएबल और उसकी टाइप है और मेजरमेंट स्केल क्या होते हैं और उनमें एरर क्या आती है तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन की तो ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच इनेबल अस टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट वेरियस फिनमिना ऑन द बेसिस ऑफ रियल डेटा कलेक्टेड ऑन सैम्पल बेसिस फॉर एग्जाम्पल हम बात करें एक सिटी है उसमें बहुत से लोग हैं वो उसकी पॉपुलेशन है वहाँ से हम कुछ लोगों से इंटरव्यू लेते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं और उसकी बुनियाद पर जो है वो सिटी के जितने भी लोग हैं उनके बारे में कंक्लूजन ड्रा करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे स्टेटस्टिक कहेंगे और ये क्या होता है टूल फॉर डेटा बेस रिसर्च होता है और इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं स्टैटिस्टिक तो की हमारे पास यहाँ पर देखें तो दो मैथड इसमें हमारे पास यूज होते हैं एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और दूसरी है इंफ्रेंशियल स्टैटिस्टिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में क्या होता है हम जो डेटा है उसको प्रेजेंट करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं इसके बाद ग्राफिकल या समरी की फॉर्म में उसके बाद इन्फ्रेंशल स्टैटिस्टिक में क्या होता है वो जो जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसके हम बुनियाद पर प्रडिक्शन करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को और कंक्लूजन ड्रा करते हैं अबाउट पॉपुलेशन तो इसमें हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिक जो है इसका मीनिंग क्या है तो ये लेटन वर्ड स्टेटस से निकला है और इसका मीनिंग है पोलिटिकल स्टेट और इसका मतलब है इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर स्टेट तो स्टैटिस्टिक जो है इट रेफर्स टू न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमेटिकली अरेंज और इसमें क्या होता है प्रोसीजर और टेक्निक यूज होती हैं टू मेक इनफ्रेंस यानी कंक्लूजन ड्रा करने के लिए टेक्निक्स इसमें यूज होती हैं स्टेटिस्टिक में हम एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स से डील करेंगे फॉर एग्जांपल हम बात करें हाइट ऑफ पर्सन की तो वो इट्स सब्जेक्ट टू डिफरेंट फैक्ट्स यानी वो जो है हाइट जो है उसके मुखलिफ जो है रीज़न हो सकते हैं डाइट्स हो सकती है उसकी क्लाइमेट और हैबिट्स वगैरह जो है इनका फ़र्क होता है डिफरेंट लोगों की हाइट पर उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड हमारे पास यहाँ पर टॉपिक जो इसका है लेक्चर का ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल तो डेफ, स्टेटिस्ट डेफिनेशन के बाद बात करते हैं ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल की ऑब्ज़र्वेशन क्या होती है एनी सॉर्ट ऑफ नमेरिका रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टेबल है उसकी लेंथ मयर करते हैं और उसको आप लिख लेते हैं सेवन फीट तो वो आपकी क्या कहलाएगी ऑब्जर्वेशन कहलाएगी इसी तरह वेरिएबल क्या होता है यहाँ पर तो ए करेक्टरिस्टिक दैट वेरीज़ विद ए विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट यानी ऐसी करैक्टरस्टिक जो वेरी करती है फॉर एग्जांपल एज की हम बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है हर पर्सन की जो है एज है उसमें डिफरेंस हो सकती है तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट तो ये वेरिएबल की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है करेक्टरिस्टिक दैट वेरीज़ विद इन विद एन इंडिविजुअल आर एन ऑब्जेक्ट और इसके अंदर एक और चीज़ हमारे पास है डोमेन द गिवन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू फ्राम विच वेरिएबल टेक्स ऑन ए वैल्यू इज़ कॉल्ड डोमेन यानी हमारे पास अगर हम बात करें कि हमने टेबल की लेंथ मेजर की तो वो जीरो से टेन के दरमियान है तो ये जो टेन है ये हमारी क्या आ जाएगी डोमेन आ जाएगी जीरो से लेकर टेन तक तो इफ़ ए गिवन इफ फॉर ए गिवन प्रॉब्लम तो द डोमेन ऑफ ए वेरिएबल कंटेन्स ओनली वन वैल्यू यानी डोमेन के अंदर सिर्फ एक वैल्यू हो तो उसको हम क्या कहेंगे कॉन्स्टेंट कहेंगे नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेरिएबल तो वेरिएबल की यहाँ पर दो टाइप है हमारे पास क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में आ सकता है तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल व्हेन ए करैक्टरिस्टिक कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल सच एज एज वेट और इनकम तो हमने पहले बात की है कि लेंथ जो है फॉर एग्जांपल टेबल की उसको हम न्यूमेरिकली uh, लिख सकते हैं तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल इसी तरह ऑन द अदर हैंड इफ द करैक्टरिस्टिक इज नॉन न्यूमेरिकल सच एज एजुकेशन सेक्स आई कलर क्वालिटी इंटेलिजेंस तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाएंगे वेरिएबल इज रेफर टू एज क्वालिटेटिव वेरिएबल विच एज करेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉन नमेरिकल इट इज़ आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट तो इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं ये यहाँ पर एम के अंदर आ सकता है उसके बाद हम बात करें क्वांटिटेटिव जो वेरिएबल है हमारे पास इसकी टाइप्स आगे तो ये इसकी दो टाइप हैं डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूस वेरिएबल ये यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है इज़ द वन दैट कैन ओनली टेक ए डिस्क्रीट सेट ऑफ इंटीजर्स और होल नंबर यानी वो सिर्फ होल नंबर पर मुश्तमिल होगा इट रिप्रेजेंट काउंट डेटा सच एज नंबर ऑफ पर्सन इन ए फैमिली तो हम फैमिली की पर्सन की बात करें तो उसमें एक पर्सन हो सकता है ज़ीरो हो सकते हैं दो हो सकते हैं आधा पर्सन जो है फैमिली के अंदर नहीं हो सकता तो ये जो है हमारे पास होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है इसी तरह कंटिन्यूस वेरिएबल की बात करें तो इट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन गिवन इंटरवल वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है इंटीजरल भी हो सकती है तो यहाँ पर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये हमारे पास था आ, नंबर ऑफ पर्सन इन फैमिली ये हमारे पास क्या थे डिस्क्रीट वेरिएबल था इस तरह टम्परेचर की अगर हम बात करें या हाइट की बात करें तो वो सिक्स पॉइंट सेवन फीट तो पॉइंट के अंदर भी आ सकती है होल नहीं होगी कोई भी वैल्यू ले सकती है तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल और वेरिएबल को हम सिंबल से जाहिर करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई जी वगैरह तो अगला हमारा थर्ड जो इसके अंदर टॉपिक है मेजरमेंट स्केल तो ये क्या तो होता यह तो यह तो है यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था राइट टू नेम्स ऑफ मेजरमेंट स्केल तो मेजरमेंट की बात सबसे पहले क्या कर लेते हैं क्या होती है मीन असाइनिंग द नंबर टू ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हमने टेबल की लेंथ मेजर की तो उसको नंबर असाइन कर दिया सेवन फीट तो हमारी मेजरमेंट आ जाएगी और जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा मेजरिंग का उसको कहते हैं स्केलिंग तो फोर हमारे पास मेजरमेंट स्केल हैं सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल स्केल की क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरीज और क्लासेज इज कॉल्ड नॉमिनल स्केल फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट आर क्लासीफाइड एज मेल एंड फीमेल तो ये यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हमारे पास क्या मतलब है जब ऑब्जेक्ट जो है वन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेसड इंटू वन कैटेगरी एंड नो अदर अदर कैटेगरी दोनों मिलकर एक ही कैटेगरी को पूरा कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट की बात करें तो वो मेल हैं और फीमेल हैं तो इसके अलावा जो है वो क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है तो ये पूरी एक कैटेगरी जो है स्टूडेंट को रिप्रजेंट कर रहे हैं इसको हम कहते हैं नामिनल स्केल उसके बाद हम बात करें ऑर्डिनल और स्क, रैंकिंग स्केल की तो इसमें एक तो नामिनल स्केल की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लस इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डरिंग और रैंकिंग मेयरमेंट यानी हम उनको ऑर्डर या रैंक करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो एक्सीलेंट गुड फेयर या पुअर हो सकती है तो ये ऑर्डरिंग आ गई इसमें नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है इंटरवल स्केल इंटरवल स्केल क्या होता है मेयरमेंट स्केल पोजेसिंग ए कॉन्स्टेंट इंटरवल साइज बट नॉट ट्रू पॉइंट ज़ीरो पॉइंट इज़ कॉल्ड इंटरवल स्केल फॉर एग्ज़ाम्पल हम टम्परेचर की बात करें तो उसका कोई ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं होता है फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फ़ारन हाइट में आपका जो है वो और होगा थर्टी टू हो सकता है फॉरन हाइट तो यहाँ पर ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो फ़ॉर हाइट के अंदर ये सिक्सटी एट फॉरन हाइट है तो इसका कोई ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं है इसी तरह रेशो स्केल की अगर हम बात करें तो ये वो इंटरवल स्केल है जिसमें ट्रू ज़ीरो पॉइंट होता है फॉर एग्ज़ाम्पल हम वेट की बात करें वॉलीम या डिस्टेंस की बात करें तो वो हम एक फ़ॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी की अगर हम बात करें स्पीड की तो वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और आगे तक जा रही है तो उसका एक ट्रू ज़ीरो पॉइंट मौजूद है इसको हम कहते हैं रेशियो स्केल आगे आखिरी टॉपिक इस लेक्चर का है एरर्स ऑफ मेजरमेंट तो मेजरमेंट के दौरान कुछ एरर्स भी होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है ऑब्जर्व किया टेबल की लेंथ को सेवन फीट और ओरिजिनल जो है वो आठ फ़ीट थी तो वो जो है ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होती है उसको हम कहते हैं एरर्स ऑफ मजमेंट तो ये ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस करके निकाला जाता है इसको तो यहाँ पर एक और टर्म यूज़ होती है रिलेटिव एरर तो इस एरर को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं और रिलेटिव एरर क्या होती है जो कि परसेंटेज की फॉर्म में शो की जाए फॉर एग्जांपल हमारी एरर जो आई है सेवन में से एट में से सेवन निकाला तो वन आ गया वन को हम ऊपर रखेंगे और नीचे जो है ओरिजिनल जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू वो हमारी क्या है एट है मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी तो इसको इस तरह जो है सिम्बोली लिखा जाता है उसके बाद एरर uh, की दो टाइप्स हमारे पास हो रहे हैं बॉयस्ड एंड रेंडम एरर तो बॉइड एरर क्या होती हैं जब ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो कंसिस्टेंटली एंड कॉन्सटेंटली हायर हो या लोअर हो दैन औरिजिनल ट्रू वैल्यू हो अब इसकी वजह क्या हो सकती है कि इसकी वजह पर्सनल लिमिटेशन भी हो सकती है ऑब्जर्वर की या फिर इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसमें भी कोई खराबी हो सकती है तो ये एरर जो है अगर बार बार आप रिपीट कर मेजरमेंट करें तो ये एरर जो है ये सामने नहीं आती बल्कि जो है ये बढ़ती जाती है जो जो आप ज़्यादा जो है वो क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं तो इसलिए इनको कमुलेटिव और सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है अनबाइस्ड एरर अनबाइस्ट एरर क्या होती हैं ये रेंडम या एक्सीडेंटल एरर होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेजर किया टेबल की लेंथ को तो वो सेवन फीट थी लेकिन एक्चुअली वो एट फीट थी नेक्स्ट टाइम आपने दोबारा मयर किया तो एट फीट आ गई तो ये एरर जो है ये रिवील हो जाती हैं वैन मयरमेंट आर रिपीटेड और लेकिन ये एरर जो है वो रिवील नहीं होती क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप जिस स्केल से मयर करें वो स्केल जो है वो ख़राब है ही खराब है तो फिर आपकी एरर रिवील नहीं होगी नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर है इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे यहाँ पर डेटा कलेक्शन कैसे होती है रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर और सैम्पलिंग कैसे होती है तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करें तो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है स्टैटिस्टिकल वर्क का वो है कलेक्शन ऑफ़ डेटा तो दो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट इनमेशन की तो वो क्या होती है होल फील्ड जो है उसको हम कहते हैं सेंसर यानी अगर हम पूरी जो पॉपुलेशन का वन बाय वन जो है डेटा कलेक्ट करें तो उसको हम कहते हैं सेंसस और ये बहुत कास्टली होता है और इसमें बहुत टाइम कंज्यूम भी होता है दूसरा इसका अल्टरनेटिव है सैम्पलिंग सैम्पलिंग में क्या होता है उस पापुलेशन के अंदर से हम पार्शली डेटा कलेक्ट करते हैं कुछ लोगों से और उसकी बुनियाद पर जो है वो पूरी पॉपुलेशन के जो है रिजल्ट अखज करते हैं तो इसमें क्या होता है टाइम और मनी की बचत हो जाती है आगे यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि डेटा की जो दो टाइप है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा इनमें क्या डिफरेंस है तो ये पेपर में आता है क्वेश्चन यहाँ पर प्राइमरी डेटा क्या होता है रॉ डेटा या ओरिजिनली कलेक्टेड डेटा होता है जो विच हैव नॉट अंडरगान एनी सॉर्ट ऑफ स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट यानी उस पर कोई स्टैटिस्टिकल मैथड अप्लाई ना किया गया हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या इनफ्रेंशल हो यानी उसको एज इट इज़ जो है वो आपने कलेक्ट किया है रॉ डेटा है उस पर कोई आपने समरी या ग्राफ वगैरह नहीं बनाया दूसरा हमारे पास डेटा होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा डेटा दैट हैव अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट एट लीस्ट वंस यानी एक दफ़ा वो ट्रीटमेंट उस पर कोई स्टेटिस्टिकल मेथड अप्लाई किया गया हो यानी उसको टेबुलर फॉर्म में आपने फॉर एग्जांपल लिख दिया और उसका ग्राफ बना दिया तो वो आपका सेकेंडरी डेटा हो जाएगा अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है डायरेक्टली आप पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के जरिए कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन ये बहुत कास्टली मैथड है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं यानी विटनेस या थर्ड पार्टीज़ की मदद से इसके अलावा क्वेश्चन है इन्यूमरेटर्स है और लोकल सोर्सेज की मदद से भी आप कर सकते हैं इन्यमेटर्स क्या होते हैं ये मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है यानी वेल ट्रेन पर्सन जो होते हैं घर घर जाकर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और लोकल जो है ये चीप तो होती है लेकिन इसमें बाजात जो है वो गलती भी आ सकती है सेकेंड्री डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है ऑफिशियल रिकॉर्ड से आप कर सकते हैं सेमी ऑफिशियल रिकॉर्ड से इसी तरह रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी से जो आप डेटा लेंगे वो आपका सेम क्या होगा सेकेंडी डेटा होगा फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से जो डेटा ले रही है उनके नाम आ, नाम और एड्रेस वगैरह वो उनका प्राइमरी डेटा है उसको जब आप आगे यूज़ करेंगे तो आपका सकेंडी डेटा आ जाएगा तो स्टेटिस्टिक का गोल क्या है ड्रा कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रा करना तो पॉपुलेशन यहाँ पर क्या होती है कलेक्शन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ ए ग्रुप पोजेसिंग द सेम बेसिक एंड डिफाइंड करेक्टरिस्टिक फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर हम बात करें स्टूडेंट है तो वो हमारी पॉपुलेशन है उन सब की जो है सेम करेक्टरिस्टिक है तो एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन की हैं फाइनाइट क्या है आई लेवल ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल इनफाइनाइट की बात करें तो बैरोमीटर प्रेशर जो है ये हवा का जो अर्थ सरफेस का जो प्रेशर है वो हमारा इनफाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर आएगा उसको हम मैर नहीं कर सकते नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या होती है एग्रीगेट ऑफ ऑल कंसीवेबल वेज इन विच ए स्पेसिफाइड इवेंट कैन हैपन यानी एक इवेंट जो है उसकी जित कितनी पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं वो सारी अगर हम एक जगह इकट्ठी कर दें तो उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल ऑल पॉसिबल आउटकम फ्रॉम ए थ्रो ऑफ ए डाई यानी लूडो का जो डाई होता है उसमें ट्रू सॉरी एक से लेकर छः तक जो है वो हमारे पास नंबर आ सकते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कहलाएगा इस तरह सैंपल पॉपुलेशन क्या होता है फ्रॉम विच ए सैंपल इज चोज़न यानी हम छः हमारे पास वो पॉपुलेशन के अंदर नंबर है उनमें से कोई भी हम नंबर कलेक्ट करें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा सैंपल पॉपुलेशन कहलाएगा फिर हमारे पास आता है टारगेट पॉपुलेशन पॉपुलेशन अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि जो लूडो के जो डाइस है उसमें जो नंबर दो है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ है तो वो हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन कहलाएगा अब सैंपल क्या होता है यहाँ पर पॉपुलेशन के अंदर से हम सैम्पलिंग ड्रा करते हैं तो सैंपलिंग क्या होती है पॉपुलेशन के अंदर से जो है पॉपुलेशन हमारी है कंप्लीट लिस्ट ऑफ एलिमेंट है उसमें से कुछ जो स्पेसिफिक मेंबर्स हैं उनको सिलेक्ट करना उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग और यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन आता है फ्रेम का तो फ्रेम क्या होता है पेपर में सैंपलिंग फ्रेम इज़ ए कम्प्लीट लिस्ट ऑफ़ ऑल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कम्प्लीट लिस्ट फॉर एग्जाम्पल स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट तो वो कम्प्लीट लिस्ट हो जाएगी हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम या फिर यहाँ पर देखें क्वेश्चन एग्जाम्पल दी हुई है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो है पंद्रह फरवरी तक जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट को क्या कहेंगे हम सैम्पलिंग फ्रेम और सैम्पलिंग फ्रेम जो है ये एकट होना चाहिए और आउटडेटेड नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका जो है अगर रिजल्ट गलत आएंगे एडवांटेजेस क्या हैं सैम्पलिंग के कि ये टाइम की और जो है पैसे की बचत होती है इस तरह आप दोबारा भी जहाँ पर फॉलो अप कर सकते हैं दोबारा जाकर भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन पॉपुलेशन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता हमारे पास जो सेंसर है नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर तो सैम्पलिंग के दौरान एरर भी आती है फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है स्कूल की स्टूडेंट है उनमें से कुछ लड़कों को आपने या किसी क्लास को सिलेक्ट किया तो उनका जो रिज़ल्ट है उनमें एरर भी हो सकती हैं तो डिफरेंट बिटवीन द एस्टीमेट डिराइव फ्राम द सैम्पल एंड द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं स्टूडेंट की तो उनकी जो है एवरेज टेस्ट लिया है, क्लास का तो ओरिजिनल जो है पूरे स्कूल का बच्चों का टेस्ट लिया तो उनकी जो है रिज़ल्ट आया 50 परसेंट और आपने कुछ लड़कों का वहाँ से हर क्लास से सैम्पल लिया और उनका टेस्ट लिया तो उनका आ गया फोर्टी नाइन परसेंट तो वन परसेंट की जो है वो डिफरेंस आ गई इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर तो ये निकलती कैसे है यानी जो सैम्पलिंग सैम्पल मीन है उसमें से पॉपुलेशन मीन को माइनस किया जाता है तो ये हमारे पास सैम्पल एरर निकल आती है ये इसका क्वेश्चन आगे आएगा वो देखते हैं फिर उसके बाद हमारे पास आती है नॉन सैम्पलिंग एरर ये क्या होती है दीज एरर अराइज़ इन द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन डेटा यानी आपने कलेक्शन जो की है उसमें ही गलती हो गई फॉर एग्जांपल जो सैम्पलिंग फ्रेम आपका है वो आपका उसमें डिफेक्ट है या फॉल्टी रिपोर्टिंग फैक्ट्स है जिसने आपको रिपोर्ट किया वो उसने गलत रिपोर्टिंग की तो यहाँ पर हमारे पास सैम्पलिंग जो है वो किस कितने तरीक़ों से हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो हमारे पास है अगला तरीका है नॉन रेंडम सैम्पलिंग इसमें क्या होता है सैम्पल जो है वो ड्रा किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वंस पर्सनल जजमेंट यानी एक बंदे की अपनी जो है जतीी जजमेंट है उसकी बुनियाद पर सैम्पलिंग ली जाती है इसको हम कहते हैं परपोजिव सैम्पलिंग उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर कोटा सैम्पलिंग की कोटा सैम्पलिंग क्या होता है ए सैम्पलिंग यूनिट फ्राम द पापुलेसन इज़ नो लॉन्गर डिक्टेटेड बाई चांस यानी इसमें जो है आपको स्पेशल बता दिया जाता है सैम्पलिंग फ्रेम जो है इसमें यूज़ नहीं किया जाता आपको टर्म एंड कंडीशन बता दी जाती है फॉर एग्जांपल टू इंटरव्यू टेन मैरिड वुमेन बिटवीन थर्टी एंड फोर्टी इयर्स एज लिविंग इन टाउन एक्स तो ये जो है कमर्शियल सर्विस के अंदर ये जो है सैम्पलिंग uh, कोटा जो है ये यूज़ होता है इसके एडवाटेज़ क्या है वही कि इसमें टाइम फ्रेम की सॉरी uh, ये सैम्पलिंग फ्रेम की ज़रूरत नहीं होती क्विक होता है और इसमें कास्ट भी की बचत होती है लेकिन नुकसान क्या है ये सब्जेक्टिव मेथड है इसमें हम जो है सैम्पलिंग एरर जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते उसके बाद हम बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग की तो वो क्या होती है रैंडम सैम्पलिंग जो है ये हमारे पास क्या लें कि लॉटरी मैथड है यानी हर जो आपका डेटा है उसमें से कोई भी डेटा आपका सिलेक्ट हो सकता है तो टाइप्स इसकी बहुत सी हैं जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है स्ट्रेटिफाइड है और ये बहुत सारी आगे लिखी हुई हैं तो हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे ये क्या होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन विच ईच मैंबर ऑफ द सबसेट हैज़ एन इक्वल प्रॉबिलिटी ऑफ बींग चूजन यानी हर एक की जो है इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो चूज़ हो जाएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करें 1000 रैंडम डिजिट है तो हम आंख बंद करके किसी एक को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग तो इसमें हर एक का इक्वली चांस है सेलेक्ट होने का उसके बाद हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की कि एज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ थाउजेंड जो है हज़ार जो है स्टूडेंट हैं एक कॉलेज के उनकी एज जो है रिकॉर्ड की गई है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा पॉपुलेशन कहलाएगा और इसको जो है हम क्या करते हैं एक टेबल के अंदर लिख लेते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर एज है और यहाँ पर स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल तेरह एज के सिक्स स्टूडेंट हैं ये टोटल मिलाकर वन थाउजेंड बन रहे हैं तो इनका जो है वो क्या करते हैं हम सैम्पलिंग लेकर और सबसे पहले पॉपुलेशन मीन निकालेंगे और सैम्पलिंग मीन निकालेंगे और उनमें एरर चेक करेंगे कि क्या एरर होती है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाएगा कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाएंगी कमोलेटि फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये जो हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी है इसको इसी तरह लिख दिया जाता है और नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है इसको यहाँ पर ऐड करके नीचे लिख दिया जाता है इसकी वजह क्या है क्यों यूज़ किया जाता है यहाँ पर क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है सिर्फ इस वैल्यू को जाहिर कर रही है या ये वाली फ्रीक्वेंसी इस सिक्सटी को ज़ाहिर कर रही है लेकिन यहाँ पर 828 जो है ये पीछे सारी जो हमारे पास एजेस हैं इन सब को ज़ाहिर कर रही है अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है सैम्पलिंग नंबर्स लेना तो कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है इसके सबसे पहले सैम्पलिंग नंबर दिए जाते हैं ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक फ्रीक्वेंसी है उससे एक पीछे तक जाते हैं फाइव तो टोटल ये सिक्स बन जाते हैं नेक्स्ट हम सिक्स स्टार्ट करेंगे और सिक्सटी सिक्स तक जाएंगे इसी तरह ये आगे जो है हम नाइन नाइन्टी नाइन तक जाएंगे तो ये हमारे पास आ गए सैम्पलिंग नंबर अब इन में से हम रेंडमली जो है कोई नंबर चूज़ करेंगे दस तो यहाँ पर हमने के एक क्वेश्चन आता है कि ये ज़ीरो जीरो वन से स्टार्ट क्यों नहीं किया तो उसकी वजह क्या है कि ये हमारे पास फोर डिजिट में आ जाता आंसर तो हमने थ्री डिजिट में इसको ले लिया ताकि आसानी रहे तो हम यहाँ से क्या करेंगे ये हमारे पास क्या है पापुलेशन क्या डेटा इसमें से हम सैम्पलिंग करेंगे और 10 स्टूडेंट जो है उनकी एजेस निकालेंगे रेंडमली तो हम आंख बंद करके इन में से किसी एक पर जो है वो उंगली लगाएंगे तो हमारे पास ये 10 नंबर जो है वो आ गए और जो जाहिर हैं फोटीन फिफ्टीन और सिक्सटीन इन एजेस को ज़ाहिर कर रहे हैं अब इनकी हम क्या करते हैं मीन निकालते हैं यानी इनकी एवरेज निकालते हैं और पॉपुलेशन की एवरेज निकालते हैं और उनमें फ़र्क देखते हैं क्या फ़र्क आता है तो पॉपुलेशन की जो है ये एवरेज हमने निकाली है कैसे निकालेंगे यानी इस एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तेरह को छः से मल्टीप्लाई किया सेवेंटी एट आ गया इन सब की सम को ऊपर रखेंगे और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है फ्रिक्वेंसी उसको नीचे रखेंगे तो ये इसका फार्मूला है ये यहाँ से पाँच नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको ये दो चीज़ें दी गई होंगी तीसरी आपने काउंट करके यहाँ पर ये फार्मूले लगा के पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है तो सैम्पल मीन कैसे निकलेगा इन सब को प्लस करके टेन पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास सैम्पल मीन आ गया फिफ्टीन पॉइंट सिक्स ईयर और पॉपुलेशन मीन जो है हमारे पास वो आ रहा है ओरिजिनल फिफ्टीन पॉइंट सेवन तो हमारे पास एरर आ रही है फिफ्टीन पॉइंट सिक्स में से ये माइनस करें तो ये पॉइंट ज़ीरो वन एट फाइव ईयर्स कम आ रही है तो ये बहुत छोटी एरर है इसको निगलैक्ट भी किया जा सकता है स्मॉल एरर है। इसकी वजह क्या है क्योंकि हमने यहाँ पर रेंडम सैम्पलिंग की है <coughs> तो ये देखें कि पूरी पॉपुलेशन की जो है मीन निकालने की बजाय हम उसमें से सैंपल लेकर उसका भी मीन निकाल सकते हैं और जल्दी निकल आता है ये नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर से एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि सैंपल मीन दिए हुआ है 135 पॉपुलेशन मीन दिए हुआ है 129, और आपने सैम्पलिंग एरर फाइंड करनी है तो 135 से 129 निकालेंगे सिक्स आ जाएगा आंसर उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 25 है इसमें यहाँ पर हम डेटा की टाइप देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव डेटा तो दो कैटेगरी हैं डेटा की क्वालिटेटिव डेटा इन विच यूज़ आवर सेंस टू ऑब्जर्व द रिजल्ट यानी हम अपना सेंस यूज करते हैं क्वांटिटेटिव की डेटा की बात करें तो डेटा मेड विद इंस्ट्रूमेंट, सच एज रूलर इट इज़ मेजरेबल यानी आप किसी स्केल की मदद से जो है वो टेबल की लेंथ मेजर करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा और उस अपने सेंस की बुनियाद पर जो है जो ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव डेटा तो इसकी दो टाइप है हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इनको हम जो है टेबल्स या ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल होगा उसकी तीन टाइप्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे फिर बाईवेरीट की करेंगे और अगले लेक्चर में हम क्वान्टिटेटिव डेटा की जो है वो आगे ये जो ग्राफिकली रिप्रजेंटेशन है वो देखेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वालिटेटिव डेटा की तो इसमें यूनिवेरिएट है फ्रीक्वेंसी टेबल है और बाई है तो पहले हम यूनिवेरिएट की जो है देखते हैं टेबल कैसा होता है और उसकी परसेंटेज निकालेंगे पाई चार्ट बनाएंगे और बार चार्ट बनाएंगे तो यूनिवेरिएट डेटा क्या होता है डेटा क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ सिंगल वेरिएबल यानी इसमें एक वेरिएबल यूज़ हो रहा हो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास टेबल है इसमें देखें मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन है एक अदारे का मीडियम है उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है ये वाला मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन इस इसको हम कहेंगे यूनी वेरिएट इसके से पहले हम क्या कर सकते हैं इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं आसान तरीका है फ्रिकुवेंसी ये वाली ऊपर रखेंगे और वन थाउजेंड जो है सॉरी ट्वेल्ल हंड्रेड ये जो टोटल है इसको नीचे रखेंगे मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड कर देंगे नेक्स्ट हमारे पास आता है पाई चार्ट इसी डेटा की हम पाई चार्ट भी बना सकते हैं कैसे बनाएंगे वी विल डिवाइड द सेल फ्रीकुनसी बाय टोटल फ्रिक्वेंसी यानी इस सेवन वन नाइन को ट्वेल्व हंड्रेड से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से क्योंकि सेल में जो है सॉरी ये जो पाई चार्ट होता है इसमें सर्कल होता है और उसके 360 ए, डिग्री जो होता है इसका एंगल होता है तो ये दो हमारे पास एंगल निकल आएंगे एक ये वाला एंगल है और दूसरा ये ये उर्दू को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इंग्लिश को तो ये आपका पेपर में बनाने का तरीका नहीं आता इसमें नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल बार चार्ट की तो यहाँ पर सिंपल आपके क्या आएंगे एम आएंगे ये जो पाई चार्ट है ये कौन सा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है यूनिवेरिएट है बाई वेरिएट तो ये यूनिवेरिएट के अंदर यूज़ होता है सिंपल बार चार्ट क्या होता है इसमें क्या किया जाता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल बार्स होती हैं यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है ईयर है और नीचे हमारे पास क्या है टर्नओवर है उन्नीस सौ पैंसठ में कितने जो है वो आ, जो कंपनी को जो है टर्न ओवर हुआ तो टर्न ओवर हम ऊपर के इस साइड पर रख सकते हैं और ईयर जो है इस साइड पर रखेंगे और उनको कॉलम बना देते हैं तो 1965 में यहाँ पर देखें 35,000 टर्नओवर हुआ तो ये इस तरह ये रिप्रेजेंट करता है तो इसको कोई इतना फायदा तो नहीं है ये, लेकिन ये एक अट्रैक्टिव लगता है इसलिए ये यूज़ किया जाता है सिंपल बार चार्ट के बाद हमारे पास अगली टाइप है बाई वेरीइट फ्रिक्वेंसी टेबल की इसमें क्या होता है दो वेरिएबल यूज़ होते हैं इसलिए इसको हम बाई वेरीट फ्रिकुनसी टेबल कहते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर सर्वे लिया गया उर्दू इंस्टीट्यूशन के मीडियम का तो उसमें हमने जेंडर भी शामिल कर दी तो ये एक मीडियम हो गया सॉरी एक इसका वेरिएबल हो गया मीडियम और दूसरा हो गया जेंडर तो इसको हम जो है इस तरह बाई वेरीइट यानी टू टेबल के अंदर शो इस तरह कर सकते हैं कि टोटल जो है वो बारह सौ जो है स्टूडेंट थे उनमें से मेल इतने हैं फीमेल इतने हैं उर्दू वाले कितने हैं और इंग्लिश वाले इसको फिर दो किस्म के चार्ट जो है वो उनकी मदद मतलब से ड्रा आ, की शो किए जा सकते हैं कि कंपोनेंट बार चार्ट इसमें क्या किया जाता है डायग्रामेटिकली जो है वो आ, शो किया जाता है इसमें यहाँ से कोई जाता है इसको सब डिवाइडेड बार चार्ट भी कहते हैं यानी मेल है उसमें उर्दू और इंग्लिश के जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं और यहाँ पर फीमेल भी उर्दू और इंग्लिश के उसके बाद आता है मल्टीपल बार चार्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है इसमें सॉरी टेबल दिया हुआ है इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो इन दोनों वेरिएबल को जो है वो शो के जब चार्ट की शक्ल में तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल बार चार्ट यानी यहाँ पर इम्पोर्ट कलर को शो कर रही है और ये पर्पल कलर की हमारे पास एक्सपोर्ट को शो कर रही है तो एक साइड पर हम क्या करते हैं ईयर लेते हैं और दूसरी साइड पर ये जो हमारे पास क्या है वैल्यूज़ हैं वो लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास आखिरी इस आज का लेक्चर जो है वो है ट्वेंटी सिक्स तो इसमें क्या होता है ए, इस चैप्टर में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल की बात करेंगे तो ऊपर हमने चार्ट देखा था क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव का तो पहले हमने क्वालिटेटिव के ये सारे पढ़े ऊपर अब क्वांटिटेटिव के अंदर हमारे पास डिस्क्रीट है और कॉन्टीन्यूस है यानी होल नंबर है और डेसिमल पॉइंट के भी नंबर भी शामिल हो सकते हैं तो कंटिन्यूस वाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं कैसी होती है और फिर उसके हिस्टोग्राम पोलीगान और कार की शक्ल में उसको कैसे जाहिर किया जा सकता है तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एक साइड पर हमारे पास क्लास लिमिट होती है दूसरी साइड पर फ्रिक्वेंसी होती है फॉर एग्ज़ाम्पल ये तीस गाड़ियाँ हैं उनका उनमें पर गैलन जो है उनकी माइलेज चेक की गई कि, कि कितने किलोमीटर तक वो चलती हैं तो दो गाड़ी जो हैं वो तीस से बत्तीस किलोमीटर के दरमियान जो है उन्होंने कवर किया एरिया चार गाड़ियों ने इतना कवर किया तो ये सारी क्या होती है हमारे पास इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये कौन सी है हमारे पास कंटीनीूस है अब हम इसको कॉन्टीन्यूस क्यों कहते हैं क्योंकि ये जो है कंटीनीूसली डेटा को सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है थर्टी से लेकर फोर्टी तक लेकिन इसमें एक खामी क्या है कि यहाँ पर 32.9 और 33 के दरमियान में बहुत सा डेटा मौजूद है जो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल 32.91 जो है यहाँ पर ये यह उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा 32.92 को भी तो उसके लिए क्या किया जाता है हमारे पास ट्रू क्लास लिमिट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज़ तो ये कैसे बनाई जाती हैं जो जो फर्स्ट वैल्यू थर्टी है इसमें ज़ीरो जो है वो इसमें से हम माइनस करेंगे और सेकेंड वैल्यू में जीरो प्लस करेंगे तो इस तरह ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू के अंदर भी यहाँ पर 33 से हम 0.05 माइनस करेंगे और अगली वैल्यू में 0.05 प्लस करेंगे तो ये देखें यहाँ पर अब थर्टी थ्री है थर्ट और यहाँ पर भी थर्टी है तो अब ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक कर रहा है तो ये भी क्वेश्चन आ, आ सकता है पेपर में क्लास बाउंड्री का या यहाँ से क्विज आ सकता है ट्रू क्लास लिमिट कहते हैं इनको आगे हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तो ये जो हमारे पास कौन सी है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो तीन तरीके हमारे पास हिस्टोग्राम है फ्रीक्वेंसी पोलीगान की शक्ल में भी कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी कार की शक्ल में हिस्टोग्राम क्या होता है यहाँ पर हम क्या करते हैं एक साइड पर जो है उसकी आ, हाइट लेते हैं एक्सिस पर हम लेते हैं उसकी सॉरी क्लासेस और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज और उसका फिर जो है वो कॉलम बनाते हैं या जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर रेक्टेंगल्स तो ये हमारा हिस्टोग्राम होता है उसके बाद हम बात करते हैं इसी से हम फ्रीक्वेंसी पोलीगान कैसे बनाते हैं तो ए फ्रीक्वेंसी पोलीगान इज़ अपटेंड बाई प्लाटिंग क्लास फ्रिक्वेंसीज़ अगेंस्ट मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस यानी एक साइड पर मिड पॉइंट रखने हैं और दूसरी साइड पर जिस तरह ये फ्रीक्वेंसी रखी है तो यहाँ पर क्लासेस हैं और यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी पोलीगान के अंदर क्लासेस की बजाय उसके मिड पॉइंट आएंगे तो मिड पॉइंट जो है ये कैसे निकाले जाते हैं तो मिड पॉइंट का तरीका क्या है कि दोनों क्लासेस को प्लस करके डिवाइड बाय टू कर दें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्लास है बाउंड्री है और ये फ्रीक्वेंसी है इन दोनों वैल्यू को प्लस करें और दो से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 28.45 तो ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था तीन नंबर का कि आपने जो है इसके मिड पॉइंट जो है कैसे निकाले तो आपने सिर्फ ये जो काला है ये नया बनाना होगा वहाँ पर तो अब ये पॉलीगॉन जो है इसका मतलब क्या होता है मैनी साइड क्लोज फिगर तो यहाँ पर अगर हम इसका टेबल बनाएं ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होगा वहाँ यहाँ से स्टार्ट होगा ये क्लोज़ नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसके स्टार्ट पर एक जो है फ्रिक्वेंसी ज़ीरो ऐड कर देते हैं और एंड पर भी ज़ीरो ऐड कर देते हैं ताकि ये दोनों साइडों से टच कर जाए और क्लोज हो जाए अब जीरो जो ऐड करते हैं तो पीछे हमने क्लास बाउंड्री भी ऐड करनी होती है वो कैसे करते हैं हम यहाँ पर देखें तो उनतीस में तीन जमा करें बत्तीस आता है तो इसमें से तीन माइनस करें तो ये पीछे चला जाएगा इसी तरह यहाँ पर बत्तीस जो है इसमें से भी तीन माइनस करेंगे तो ये पीछे उनतीस आ जाएगा इसी तरह यहाँ पर 41 है तो इसमें तीन प्लस करेंगे तो 44 आ जाएगा तो ये आपने ऐड करनी है जब आप क्या बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये पेपर में आया हुआ था नेक्स्ट जो है इसको आपने ड्रा करना है एक साइड पर आपने उसके मिड पॉइंट लेने हैं और दूसरी साइड पर फ्रीक्वेंसीज लेनी है और इसको एक लाइन से जो है वो ड्रा कर देना है तो ये कंटिन्यूसली यहाँ पर देखें यहाँ पर लाइन बनी हुई है उसके बाद फ्रीक्वेंसी कार की बात करें तो इसी को अगर ये यहाँ पर कोने नज़र आ रहे हैं इसको हम स्मूथ कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है फ्रीक्वेंसी कार बन जाती है कैसे डाटेड लाइन की मदद से हम इसको स्मूथ करते हैं यहाँ पर देखें डाटेड लाइन जो है इससे गोलाई में ले लिया गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी जो फ्रिक्वेंसी कार है ये उसको सारे पॉइंट पर टच करें तो इसका पर्पज़ सिर्फ क्या है टू तो डिस्प्ले ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अब हम बात करते हैं कि जो हमारे क्लास इंटरवल है हिस्टोग्राम के अंदर जो पहले हमने देखी है ऊपर कॉलम ये वाला हिस्टोग्राम तो इनके कॉलम को अगर यह क्लासेस जो है ये हमारी ये छोटी कर दी जाए तो हमारे पास कॉलम क्या हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे और इनको बहुत छोटा कर दिया नैरो कर दिया तो उससे हमारे पास जो है वो क्या होता है ये जो फ्रीक्वेंसी कार्व है ये हासिल हो जाती है आगे हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कार्व की टाइप्स की तो हमारे पास चार किस्म की फ्रिकुंसी कार्ड आती हैं एक फ्रिक्वेंसी टेबल से एक आती है सीमेट्रिकार मॉडरेटली स्क्यू और एक्सट्रीमली स्क्यूड और यू शेप तो ये जो मॉडरेटली स्क्यू है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है यहाँ पर आ, बाकी इतनी ज़्यादातर रियल लाइफ में यूज़ नहीं होती तो पहली बात करते हैं सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कार की तो सिमेट्रिकल क्या होती है यानी जिसकी दोनों साइडें इक्वल हों और इसकी अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी मिरर इमेज ऑफ राइट हैंड साइड अगर हम उसके सेंटर में वर्टिकल मिरर पेश करें तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी मिरर इमेज ऑफ राइट हैंड साइड आगे हम बात करते हैं ये तो हो गई सीमिट्रिकल की अब बात करते हैं मॉडरेटली सिक्यूड की इसमें पॉजिटिव और नेगेटिवली सिक्यूड कार्व्स आती हैं ये क्वेश्चन पेपर में आता है दो नंबर का तो डेफिनेशन पहले बतानी होगी आपने पॉजिटिवली स््यूड की ए कार्व होज राइट एल इज लॉन्गर दैन लेफ्ट टेल यानी इसकी जो राइट right एल है ये अगर आप देखें राइट एल ये लॉन्गर है और लेफ्ट टेल जो है ये छोटी है इसकी तो ये आपने डेफिनेशन बतानी है इसकी वजह क्या है यानी यहाँ पर वैल्यू फॉर एग्जांपल वन आई फिर बढ़ती गई पंद्रह बीस तीस चालीस और फिर कम होती गई तो यहाँ पर एक साइड पर स्टार्ट में वैल्यू ज़्यादा होंगी और आगे कम होंगी इसलिए इसकी राइट टेल जो है लॉन्गर है नेगेटिवली स्क्यूल में क्या होता है स्टार्ट में वैल्यू छोटी होती हैं इसलिए उसकी लेफ्ट टेल जो है वो लॉन्गर होती है और बजाय राइट टेल के तो यहाँ पर देखिए लेफ़्ट टेल इसकी लॉन्गर है तो ये तो होगी मॉडरेटली स्क्यूड की बात अब बात करते हैं एक्सट्रीमली स्क्यूड कार की तो इसमें हमारे पास तीन किस्म की कार आएंगी एक हमारे पास जे शेप कार आती है तो जे शेप कार्व क्या होती है इसमें जो है जे, जे शक्ल की होती है एक्सट्रीमली नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं इसकी वजह क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर एट द एंड ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल यानी एंड पर जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है जिस वजह से ये जे शेप में आ जाती है अगर हम बात करें यहाँ पर डेथ रेट की एडल्ट की बीस साल से लेकर सेवेंटी नाइन साल तक तो उनके जो डेथ रेट है वो ये है और इसका अगर हम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कार्ब बनाएँ तो वो जे शेप कार्ब बनती है तो ये क्विज में आता है यहाँ से पेपर उसके बाद एक्सट्रीमली पॉजिटिवली इसकी वो है दूसरी हमारे पास रिवर्स जे शेप इसमें क्या होता है ये रिवर्स जे शेप ही होती है वजह क्या है कि यहाँ पर स्टार्ट में जो है इसकी वैल्यू बड़ी होती हैं और उसके बाद तीसरी इसकी जो टाइप है हमारे पास यू शेप्ड जो है कि बहुत लेस फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर होती है इसमें क्या होता है स्टार्ट और एंड में हमारे पास वैल्यू बड़ी होती हैं यहाँ से पेपर में एमसीक्यू आया हुआ था कि डेथ रेट ऑफ ऑल द एज ग्रुप्स जो है जितनी भी एज ग्रुप के हैं उनका डेथ रेट जो है वो कौन सी कार्व बनाता है तो वो यू शेप जो है हमारे पास कार्व बनती है तो यहाँ पर हमारे पास आ गई उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्क्रीट फ्रिकुनसी डिस्ट्रीब्यूशन की तो डिस्क्रीट के अंदर क्या होगा हमारे पास ये कंटिन्यूस नहीं है यानी यहाँ से दरमियान में गैप है होल नंबर है ये तो कंटीन्यूस यहाँ पर देखें तो हमारे पास पूरी लाइन बन रही थी और ये डिस्क्रीट के डाट होते हैं हमारे पास तो ये भी पॉजिटिवली हो सकती है नेगेटिवली है और सिमेट्रिकल भी हो सकती है फिर हम बात करते हैं कमुलेटिव फ्रिकुनसी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये क्या होता है हम क्या करते हैं कमोलेटि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते कैसे हैं कि ये जो हमारे पास फ्रिकुनसी टेबल दिया गया होगा उसमें हम क्या करते हैं फ्रिक्वेंसी को पहली को इसी तरह लिख देंगे और जो सेकंड फ्रिक्वेंसी है इसको फर्स्ट में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास सिक्स आ जाएगा इसी तरह थर्ड को सेकंड में इसमें प्लस करेंगे फोटीन के और सिक्स को तो ट्वेंटी आ जाएगा तो इसके बाद ट्वेंटी में एट प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कमोलेटिव फ्रिकुनसी आ जाएगी अब इसका पर्पज़ क्या है कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाने का तो पर्पज़ इसका ये है कि ये जो फ्रिकुनसी है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम बात करते हैं चार की तो ये सिर्फ़ इन दो क्लासेज़ को शो इस क्लास को शो कर रही है पिछली क्लास को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो फ्रीकुनसीज़ हैं ये सारी बाकी क्लासेज़ को पिछली को भी रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए हम कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का टेबल बनाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इसको जो है जो टेबल बनता है इसका हमारे पास कमोलेटि uh, फ्रिक्वेंसी का इसको हम कहते हैं ओजाइफ तो ये लेस दैन टाइप ऑफ कमोलेटिव फ्रिकुनसी टेबल होता है इसमें हम क्या करते हैं एक साइड पर हम मिड पॉइंट लेते हैं और दूसरी साइड पर हम फ्रिकुनसीज लेते हैं और उनको जो वैल्यूज़ हैं डॉट से ज़ाहिर करते हैं और उनको एक लाइन से मिला देते हैं तो इसको हम कहते हैं कमुलेटिव फ्रिकुनसी पोलीगॉन या ओजाइफ तो ऊपर हमने फ्रिकुनसी पोलीगान पढ़ी है वो नीचे ये कमोलेटिव फ्रिकुनसी पोलीगॉन है यानी इन तमाम जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं इनको जो है वो लाइन में जाहिर किया जा रहा है यानी ये सारी क्लास बाउंड्री की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उन सबको ये जाहिर कर रही है उसके बाद हम बात करते हैं आगे वो जो है इसको हम क्लोज़ भी कर सकते हैं यानी एंड पर अगर हम उसके ज़ीरो लगा दें तो ये नीचे जो है वो क्लोज शेप में आ जाएगा फिर हम बात करते हैं इसका लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी जो टेब, टेबल है वो बनाया कैसे जाता है हमारे पास क्या होती हैं ऑब्जर्वेशन होती हैं फॉर एग्जांपल ये अमेरिका की किसी कंपनी के है उसके पिज़्ज़ा जो है प्रोडक्ट है उनकी सेल कास्ट जो है वो बताई गई है यहाँ पर तो हम जो है इस कास्ट की मदद से जो है वो क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं उसका तरीका क्या है सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आप नोट कर लें और बड़ी में से छोटी निकाले तो आपके पास रेंज आ जाएगी और रेंज जो है उसको आप नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड करें तो आपके पास क्लास इंटरवल आ जाएगा और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इन्होंने आठ से डिवाइड किया है तो ये हमारे पास पॉइंट जीरो ज़ीरो पॉइंट टू जीरो आ गया अब ये क्या करते हैं सबसे जो छोटी वैल्यू है उससे एक नंबर पीछे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल ज़ीरो पॉइंट फाइव टू है, है। यहाँ पर ज़ीरो पॉइंट फाइव वन कर दिया उसमें ज़ीरो पॉइंट टू ज़ीरो ऐड किया तो ये आ गया फिर इसमें टू जीरो ऐड करेंगे ये तो इस तरह ये आगे बन गया तो उससे फिर क्लास बाउंड्री आगे बनाई जाती हैं और उससे फिर आगे फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है तो इसको मैं एक एग्जाम्पल की मदद मतलब से आपको समझा देता हूँ यहाँ तक ये, ये हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा तो ये हमारे पास नौ लड़कों का जो है वो टेस्ट का रिजल्ट आया है स्टूडेंट का तो उसमें जो है हमें ए, क्या करना है इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में इसको जाहिर करना है तो सबसे बड़ी वैल्यू 36 है और सबसे छोटी वैल्यू अलेवन है 36 में से अलेवन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 25 अब हम चाहते हैं कि हम पांच क्लासेस जो हैं इनकी बनाएँ पाँच हिस्सों में इसको तकसीम करें तो हम क्या करेंगे इसको फाइव से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्लास इंटरवल जो है वो कितना आ जाएगा फ़ाइव आ जाएगा अब हम सबसे छोटी वैल्यू जो है ग्यारह है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं दस लिख देते हैं और उसमें पाँच का इजाफा करेंगे हमारी एच जो है ये अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ये क्या है हमारे पास एच है हाइट जो है इसकी तो ये दस में पाँच जमा करेंगे पंद्रह इसी तरह फिर बीस पच्चीस और क्या आ जाएगा तीस आ जाएगा तो आगे पंद्रह से पीछे क्या आता है हमारे पास यहाँ पर चौदह होता है तो 14 लिखेंगे इसी तरह उसमें पाँच जमा करेंगे 19 आ जाएगा फिर पाँच जमा करेंगे ट्वेंटी फोर हो जाएगा इसी तरह ट्वेंटी नाइन और थर्टी फोर आ जाएगा तो ये हमारे पास आ गई क्लासेस और इनकी फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे दस से चौदह तक कितने नंबर आ रहे हैं एक ये आ रहा है दो आ रहे हैं तीन तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे तीन और एक चार चार नंबर आ रहे हैं यहाँ पर दस से चौदह तक उसके बाद 15 से 19 तक देखते हैं हम कितने नंबर आ रहे हैं तो एक 17 आ रहा है और एक 19 आ रहा है दो नंबर आ रहे हैं उसके बाद 20 से 24 तक हमारे पास एक नंबर आ रहा है बाईस और चौबीस से उनतीस तक एक नंबर आ रहा है हमारे पास तेईस और तीस से चौंतीस तक हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं तो ये भी हमारे पास एक ही नंबर आ रहा है तो इनको हम प्लस करें तो चार और दो छः और तीन नॉन ये हमारे पास टोटल क्या आ गए नाइन आ गए अब यहाँ पर ये ट्रू क्लास जो है उनको ज़ाहिर नहीं कर रही हम क्या करेंगे यहाँ पर देखें चौदह और पंद्रह इनके दरमियान में भी नंबर होते हैं तो हम इनको कापी करके आगे जो है ले जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्लास बाउंड्री लिख देते हैं सी बी आगे कर देते हैं और टेन में से जो है हम क्या करेंगे पॉइंट फाइव माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट ज़ीरो फाइव माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा नाइन पॉइंट फाइव कर देते हैं चलो पॉइंट फाइव भी माइनस कर लेते हैं यहाँ पर और 14 में हम क्या करेंगे पॉइंट फाइव प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14.5 पॉइंट फाइव इसी तरह इसमें से क्या करना है हमने पॉइंट फाइव माइनस करना है तो ये भी आ जाएगा 14.5 पॉइंट फाइव इसी तरह फिर आगे हम इसमें फाइव फाइव प्लस करते जाते हैं तो ये नाइनटीन पॉइंट फाइव आ जाएगा तो इस तरह जो है ये हमारे पास क्या आ जाएंगी क्लास बाउंड्रीज़ आ जाएंगी और फ्रिक्वेंसी भी निकल आई और ये जो है आपका पाँच नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है यहाँ पर ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव हो जाएगा और इधर जो है हम देखें तो ये ये वाली वैल्यू जो है इधर आ जाएगी नाइनटीन पॉइंट फाइव ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव और इसी तरह यहाँ पर ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव तो ये हमारे पास ट्रू क्लास जो है क्लासेस आ गई या क्लास बाउंड्री जिनको हम कहते हैं तो ये इस तरह हम निकालते हैं यहाँ पर देखें तो इन दोनों के दरमियान में अब कोई गैप नहीं है यहाँ पर फोटीन और फिफ्टीन के दरमियान जो गैप है थोड़ा सा तो ये उसको कवर कर लेती है तो ये जो है लास्ट पे आपका क्वेश्चन है यहाँ पर आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़